ये सोच के आई थी कि यहाँ पे बहुत सर्दी होगी, पर ऐसा है नहीं। अभी तो गर्मी है, आपको पता ही है। तो लेकिन खूबसूरत बहुत है, मतलब लोकेशंस और पॉल्यूशन के बगैर सब। मतलब मेरी हेयर ड्रेसर बोलती है आपके तो बाल ही नहीं गंदे होते हैं यार, नहीं तो हम दूसरे दिन बॉम्बे में बाल धुलने पड़ते। सो मतलब जो ऑक्सीजन लेवल है या जो रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, मुझे लगता है ये बेस्ट प्लेस है, यहाँ आना चाहिए। आदमी आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है हिमाचल आने के बाद। कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? मैं हूँ 7-8 दिन हो गए। और कितने दिन यहाँ पे हैं? बस कल का दिन हूँ और परसों चली जाऊंगी। अब मैम यहाँ पे जब शूटिंग कर रहे हैं, हमें आप ये बताएं ये कौन सा सीरियल है, क्या इसका नाम है और इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? इस सीरियल का नाम है देवांचल की प्रेम कथा। देव लड़के का नाम है और आंचल जो है वो लड़की का नाम है। तो आंचल मेरी बेटी है और ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं आनंद जी और अभिषेक जी। और इसमें जो मदर है, मैं वैसे सीरियल्स मैंने काफी टाइम से बंद कर दिए हैं, सीरियल्स नहीं मैं कर रही थी, लेकिन जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी, मुझे सोनजी शास्त्री जो प्रोड्यूसर हैं इस सीरियल के, उन्होंने सुनाई, तो वो इतनी खूबसूरत स्टोरी है कि मेरी जो बेटी है वो अंधी है और मेरा जो मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड है वो गूंगा है। तो आप देखिए उन दोनों की कैसे, वो देख नहीं सकती, वो बोल नहीं सकता, और उनकी केमिस्ट्री, मैंने बल्कि सोम जी को बोला ये किस तरह के से होगा, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है किसी को भी ऐसा एक्सप्रेस करना प्यार का। और इसमें मदर जो है, मैं जो मदर का रोल प्ले कर रही हूँ हीरोइन की, वो उसके बहुत सारे शेड्स हैं। उसकी पिछली कहानी भी है जब वो किसी को चाहती थी और उसको कैसे छोड़ के गए और कैसे उसने अपनी बेटी को पाला, और आज वो एक बहुत ही स्ट्रांग वुमन है, लेकिन जहां पे उसकी बेटी का संबंध आ जाता है वहां वो बहुत ही इमोशनल एंगल्स हैं। तो एक बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत कहानी है। मैम फिल्म अभी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गई है फिल्म इंडस्ट्री, मतलब अब पहले जैसे वो रील्स जैसी हुआ करती थी, पूरी वो उठा कर लेके जानी पड़ती थी, आजकल चिप्स छोटे छोटे उससे ही, कितने भी आप रीटेक्स दो, पहले आप रीटेक देखते थे तो प्रोड्यूसर का दिल घबराता था कि अरे दूसरा रीटेक हो गया या तीसरा। तो आजकल टेक्निकली और भी हर चीज में, चाहे साउंड हो चाहे लाइट हो, या बहुत कम लाइट से शूट हो जाती है। और आजकल जैसे पहले मुझे लगता है कि जो एक्टिंग का स्टाइल था वो लोग एक्टिंग पता चलता था एक्टिंग कर रहे हैं, आजकल बहुत नेचुरल हो गया है, जैसे हम आम जिंदगी में एक दूसरे से बात करते हैं ऐसे हो गया है। अब एक जरूरी नहीं, पहले तो ऐसे होता था जैसे एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक वैम्प है, एक विलन है, एक कॉमेडियन है, एक ऐसी कैटेगरीज हुआ करती थी। अब वो कैटेगरीज खत्म हो गई है, अभी हीरो ही कॉमेडी भी कर सकता है, हीरो ही विलन भी हो सकता है, या इस तरह से हो गया। और क्योंकि बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, तो उसकी वजह से जैसे नेटफ्लिक्स है या प्राइम है या और भी जो भी, उससे जो आम मतलब जैसे कोई एक्टर की एज ज्यादा है, समझ लीजिए बमन ईरानी, वो भी एक सीरीज के हीरो हो सकते हैं, मैं खुद एक सीरीज की हीरोइन हो सकती हूँ। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं मतलब 22 साल की हूँ तो ही मैं हीरोइन हो सकती हूँ। तो आपने भी ऐसी देखी होंगी बहुत सारी सीरीज है, तो अब एक्टर्स के लिए इस तरह से बहुत अच्छा हो गया है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं अपने को अच्छा परफॉर्म करने की, और जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको भी चांस मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कोई स्टार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यही स्टार हैं तो ही काम करेंगे। कोई भी सीरीज में आपने कई लोगों को देखा भी नहीं होगा जिनको आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, और वो बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कई लोगों को काम मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ मतलब जब से ये मोबाइल, अब मैं आपको एक अच्छी उसकी चीजें तो बता दी, अब मैं आपको दूसरा उसका एक और पार्ट बताती हूँ कि पहले जो एक्टर्स थे ना, जब तक मोबाइल और ये सब नहीं हुआ करते थे, तब तक हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े होते थे, इन सेंस कि हम लोग जैसे लंच इकट्ठे करते थे, वैन्स नहीं होती थी तो एक दूसरे का पता होता था फैमिली में क्या हो रहा है, क्या मतलब बहुत आप एक इमोशनल बॉन्डिंग होती थी। अभी क्या है, जब से मोबाइल आए सब लोग एक शॉट देते हैं, फिर सब लोग अपने अपने फोन्स पे आपको दिखेगा ना, तो मतलब एक तरह से आप
का अलगाव जैसा हो गया है, आप जानते भी नहीं उन एक्टर्स को, आप थोड़ी देर के लिए उनको मिलते हैं, आप काम करते हैं, ऐसा हर फील्ड में ही हो गया है। मतलब आजकल तो और भी जो फील्ड हैं, मैं ऐसे फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूं, लेकिन मैंने बहुत ऐसा नोटिस किया कि पहले हम लोग बहुत आपस में अटैचमेंट्स और सब पूछना कि कोई बीमार है या क्या है, फैमिली में सब ठीक है, ऐसा होता था, खाना इकट्ठे खाना, अब वो सब खत्म हो गया। मैंने बहुत सी फिल्में की और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ, और मैं ऑडियंस की, मेरी जो मेरे दर्शक हैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आज तक काम कर रही हूँ। जैसे मैंने जुदाई की तो उसका अब्बा डब्बा झब्बा बहुत हिट हुआ, मैंने कपिल शर्मा शो किया तो आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल, वो बहुत हिट हुआ। मैंने माय फ्रेंड गणेशा की, उसकी गंगूताई बहुत बड़ी हिट थी, क्रुएला की काली परी हिट थी, और ऐसे ही मतलब मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी बाई चली सासरी, वो आज तक की राजस्थान की सबसे बिगेस्ट हिट फिल्मों में मानी जाती है। मतलब उससे बड़ी आज तक कोई हिट फिल्म नहीं हुई है, उसमें मैं हीरोइन थी, लिच्छवी मेरा कैरेक्टर था, और ऐसी मतलब मेरे पास बहुत सारी चीजें आई जो कि हिट रही, चाहे मैंने उसमें एज हीरोइन काम किया हो, चाहे मैंने कॉमेडी की हो, या अभी मोबाइल की बात कर रही थी, आज मेरा असल में बर्थडे है तो बहुत सारे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। तो मेरे को हमेशा जैसे मुझसे शादी करोगी, जुड़वा टू, पंजाबी की जट एंड जूलियट, और बहुत सारी मतलब हर लैंग्वेज की, मैंने इंडिया की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में काम किया। सो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि लोगों ने मुझे हर तरह के रोल्स में एक्सेप्ट किया। जैसे मैं कॉमेडी कर रही थी, फिर अभी मैंने एक मासूम करके वेब सीरीज की, उसमें मेरा बिल्कुल ही इमोशनल एक एंगल है। अब इसमें मैं कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, ये एक मदर की, एक औरत की कहानी है, यंग एज से लेके ओल्ड एज तक। तो मैं मतलब अदरवाइज क्या होता है कि आपको एक खांचे में और आपको एक जगह पे बांध दिया जाता है कि ये कॉमेडी करते हैं इनको सिर्फ कॉमेडी करनी है, ये हीरोइन है तो ये हीरोइन है, ये वैम्प है तो वैम्प है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। ये मेरी स्ट्रगल ज्यादा नहीं रही। मैं जब स्टडी कर रही थी तो मैंने चार फिल्में की, मेरी जब मैं 17 साल की थी तो मेरी फर्स्ट फिल्म मैंने की बाई चली सासरी, सुपरहिट, मैंने फिर अहमदाबाद में रिक्शा वालों गुजराती फिल्म की, केसी बोकाडिया जी डायरेक्टर थे, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म की जिसका नाम था बदला जट्टीरा, वो भी बहुत बड़ी हिट है। उसके अलावा एक मैंने फिल्म की थी रामवती, जिसमें मेरा डबल रोल था हिंदी की, वो भी अच्छी चली। तो मेरी चारों फिल्में हिट थी स्टडी के दौरान मैंने की थी, लेकिन स्ट्रगल इंसान की कभी खत्म नहीं होती। तो स्ट्रगल तो आज भी चल रही है कि एक अच्छा रोल, कुछ और बेहतर, कुछ अलग तरह का रोल, लेकिन ऐसे मैंने स्ट्रगल नहीं की कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ या मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे काम चाहिए। मैंने शायद मेरे जितने प्रोड्यूसर्स के साथ मैं काम मैंने किया है या कर रही हूँ, मेरे को पता भी नहीं है उनके ऑफिस कहाँ पे। तो मुझे काम पाने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, लेकिन अच्छा काम पाने के लिए, वो तो शायद जिंदगी तीन ही वर्ड थे। वैसे मदर तो बोलती थी लेकिन डॉटर फिर तो सिर्फ तीन ही वर्ड थे, और वो थे अब्बा डब्बा जब्बा।